हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक मेकओवर बनाने वाले हैं। ये मेरा एंट्रेंस एरिया है, तो ये एक रेंटेड फ्लैट है और इस फ्लैट में हमें शिफ्ट हुए 3 महीना ही हुआ है। एज वी शिफ्टेड विदिन अ 2 वीक्स द लॉकडाउन स्टार्टेड, सो मुझे इतना कुछ डेकोरेशन का सामान परचेस करने का मौका नहीं मिला। तो मैं अपना भी सामान मेरे पास है, उसी से मैंने कुछ DIYs करके अपना ये एंट्रेंस मेकओवर करने की कोशिश की है। तो पहले मैं आपको अपना एंट्रेंस दिखाती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरा एंट्रेंस एरिया है, लेफ्ट साइड पे एक डोर है, उसके बिहाइंड एक वॉल है जो कि एम्प्टी है, और जैसे ही डोर ओपन होता है उसके सामने एक वॉल है बड़ी, उसके ऊपर हमने ये शिवाजी महाराज का फ्रेम लगाया। तो ये जो फ्रेम है वो बहुत ही बड़ा है, तो ये वॉल पे कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो फ्रेम है उसका कलर मुझे चेंज करना है। तो पहले हम इसे फ्रेम को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि फ़ोटो जो है वो फ्रेम के हिसाब से नहीं है, तो जो फोटो बनाने वाले ने क्या किया है कि उसके ऊपर फ्रेम के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक रेड कार्डशीट पेपर लगाया, जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसे चेंज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें वो पूरा फ्रेम को डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने वो जो टेप लगाया वो कट कर दिया है, और बाद में जो क्लिप्स रहते हैं फ़ोटो फ्रेम को पूरा सील करने के लिए वो ठीक से ओपन किया है। तो अब ये जो हार्ड शीट रहता है वो निकाल लिया है। बाद में ये जो फ़ोटो है और वो जो कार्ड शीट लगाया है उन्होंने, तो वो उन्होंने टेप से अटैच किया है, तो उससे वो हमें ठीक से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें वो बाद में यूज़ भी करना है। तो यहाँ पर मैं कटर की हेल्प से फ़ोटो और वो जो कार्ड शीट लगाया है वो पूरा सेपरेट कर दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ रेड कलर का जो कार्ड शीट लगा है उस इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज़ द वाइट और ऑफ वाइट कलर। तो क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी शीट नहीं है, हम कट करके स्ट्रिप्स लगाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इतनी बड़ी शीट नहीं है, तो मैं यहाँ पर वही रेड कार्ड शीट पेपर जो है उन्होंने लगाया हुआ ऑलरेडी, उसे मैं फ्लिप करके लगाऊँगी जो कि पीछे से वाइट कलर में है। अब जो ये हमारी फ्रेम है इट्स इन अ ब्राउन कलर, जो कि वाइट कलर का जो शीट है उसके साथ नहीं मैच हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी उसको गोल्डन कलर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, 2 एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, एक जो लिक्विड में है और एक जो है वो डस्ट फॉर्म में है। तो पहले मैं लिक्विड एक्रेलिक कलर से उसके ऊपर कोट लगाऊँगी। विद एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है वो वेट है, तभी हमें डस्ट एक्रेलिक कलर है वो यूज़ करना है, तो वो जो कि फिक्स हो जाएगा। सो वी विल फिनिश ऑल द फ्रेम कलरिंग विथ द गोल्ड कलर। आफ्टर ड्राइंग द फ्रेम वी विल स्टार्ट मेकिंग असेंबलिंग द फ्रेम एज इट इज। तो यहाँ पर मैंने जो फ्रेम है वो लिया, उसके ऊपर ग्लास डाल दिया, और जो शीट था वो मैंने फ्लिप करके लगाया है, जैसे कि मैंने बताया कि वो रेड कलर मुझे नहीं चाहिए था, वाइट कलर जो है वो आगे आना चाहिए, इस तरह से मैंने वो लगाया है। तो मैंने फ़ोटो लगा दिया, जैसे ही पहले उन्होंने असेंबल किया था वो टेप करके, वैसे ही मैं पूरा कर रही हूँ। तो पूरा क्लिप्स मैंने लगा के फिनिश कर दिया है, पूरा क्लिप्स ठीक तरह से सील करना चाहिए, और बाद में पूरा ये फ्रेम बड़ा है इस वजह से इतना सीलिंग उसको ज़रूरी है, नहीं तो वो निकल जाएगा, इसलिए मैं वापस से उसे ब्राउन टेप लगा रही हूँ। तो ये है फाइनल रिजल्ट। अब मैं आपको वॉल पर वो फ्रेम लगा के दिखाती हूँ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो बहुत अच्छे से जा रहा है। मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर दिखाती हूँ। बिफ़ोर कैसा था, वो रेड कलर में शीट था, और आफ्टर हमने जो वाइट कलर शीट लगाया वो अच्छा जा रहा है। तो नेक्स्ट जो डोर के बिहाइंड जो वॉल है उस पर हम एक वॉल डेकोर बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये यूज़ एंड थ्रो वाले जो प्लेट्स रहते हैं वो यूज़ किया है, ये पेपर प्लेट्स है,
और उसके ऊपर जो लगाने के लिए मैंने ये जूट का क्लॉथ रहता है वो यूज़ किया है, जो मैंने पहले भी मेरे बॉटल डेकोरेशन में यूज़ किया है। तो अब मैं प्लेट के हिसाब से राउंड शेप कट कर दूंगी। नाउ वी हैव टू स्टिक दैट जूट क्लॉथ ऑन दैट प्लेट, सो वी विल यूज़ द फेविकॉल। तो यहाँ पर बहुत सारा फेविकॉल लगाना है क्योंकि हमें जूट रोप को वो पेपर प्लेट से अटैच करना है, वो निकलना नहीं चाहिए, इसलिए पूरा फेविकॉल है वो ठीक तरह से स्प्रेड करके लेना है। बाद में वो जूट क्लॉथ का हमें उसके ऊपर पेस्ट करना है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा रिमेनिंग क्लॉथ है वो कट करके लेना है। तो मैंने ऐसे 9 और शीट्स रेडी करके रखे हैं क्योंकि मैं उस पर डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो डिज़ाइन मैंने सोचा है कि वो मैं ये थ्रेड की हेल्प से करूँगी। तो बीच में मैं एक फेविकॉल लगा के थ्रेड का एक राउंड सर्कल बनाने वाली हूँ। ये जो थ्रेड है वो नॉर्मल थ्रेड जो रहता है उसे मैंने 3 लेयर्स में लिया है, वो पहले से मैंने करके रखा था, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बाद में मैंने कुछ डॉट्स लगा के यहाँ पर यू शेप फॉर्म करने की कोशिश की है। ये प्लेट पे जो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ वो मैं पूरा इसी थ्रेड से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप कौन सा भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, आपको पिंट्रेस्ट पे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से डिज़ाइन बना रही हूँ। अब जो ये यू शेप बना रही हूँ उसी तरह से मैंने 4 साइड पे यू शेप बनाया है, बाद में उसके मिडल में से फिर से यू शेप बना के रोप को अटैच कर दूँगी। ये जो डिज़ाइन बनाया है उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, नहीं तो वो निकल जाएगा। अच्छी तरह से पेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लू, आप कौन सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द हॉट ग्लू गन। नाउ वी विल टेक द सेकेंड प्लेट, वहाँ पर मैं एक स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सोचा है कि मैं 3 स्पाइरल ड्रॉ करूँगी 1 by 1 by leaving some gap in between, so मुझे वो 3 spiral shape मिलेंगे जिसमें मैं एक white color दूंगी और एक black color दूंगी, और जो last remaining shape रहेगा spiral वाला वो मैं वैसे ही रहने दूंगी। तो इसी तरह से वो पूरा मैंने spiral shape draw करके लिया है। तो अब मैं पहले white color use करूंगी। Here you have to use the thick layer of the paint so it will look nice and fuller, and जो cloth है वो paint से दिखना नहीं चाहिए, so you have to be really apply thick layer of the paint। तो अब मैं यहाँ पर black color use कर रही हूँ, white color पूरा dry हो चुका है, तो बाद में मैं black color use करूँगी और उसके हिसाब से spiral shape जो draw किया है वो fill करूँगी। तो फाइनली जो थिन ब्रश लेके पूरा आउटलाइन बना के वो फिनिश कर दूंगी। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड प्लेट। यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन ड्रॉ किया है, उसके हिसाब से मैं वाइट और ब्लैक कलर में ही कॉम्बिनेशन करके पेंट करूँगी। तो यहाँ पर सर्कल में मैंने ब्लैक कलर ऐड किया है, बाद में जो यू शेप बनाया है उसके ऊपर मैं वाइट पेंट कर दूँगी। यहाँ पर भी You have to be apply very thick layer of the paint. तो जो थर्ड प्लेट का डिज़ाइन है वो पूरा शूट नहीं हो पाया, तो वो मैं लास्ट में दिखा दूंगी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने 4 डिज़ाइन बनाया, वो अगेन वो स्पाइरल शेप में किया है, लेकिन यहाँ पर मैं जो कलर नहीं यूज़ करी हूँ, यहाँ पर मैं जो वो पहले वाला थ्रेड यूज़ किया था वही उसके साथ जो जूट रोप रहता है वो यूज़ करी हूँ, वो दोनों एक साथ ही हम वो स्पाइरल में पेस्ट करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू।
तो यहाँ पर ठीक से प्रेशर लगा के हमें जूट रोप को पेस्ट करना है, क्योंकि जूट रोप है जो वो ठीक से पेस्ट नहीं होता विद द हेल्प ऑफ ग्लू जब तक कि वो पूरा ड्राई नहीं हो जाता। तो हमें वो ध्यान में रखना है कि पूरा जूट रोप और जो दोनों रोप है वो एक साथ ठीक से पेस्ट हो जाए ऑन द प्लेट। और जो लास्ट डिज़ाइन प्लेट में बनाने वाली हूँ वो भी स्पाइरल शेप में है। आप बोलोगे कि ये कितना स्पाइरल डिज़ाइन बना रही है, लेकिन वो पूरा जब वॉल पे लगेगा तो वो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक थिक मार्कर लिया है, उससे मैं डैश डैश करके पूरा स्पाइरल शेप बनाऊंगी। आप सोचोगे कि मैंने पूरा जो डिज़ाइन प्लेट पे बनाया वो पूरा स्पाइरल शेप में ही बनाया, लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट फिनिश होके जब ये वॉल पे लगेगा तो ये डिज़ाइन कोऑर्डिनेट होगा एक दूसरे से और वो अच्छा जाएगा, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन सोच के रखा था। पूरा फिनिश होने के बाद मैंने जो थिन वाला मार्कर पेन जो रहता है उस जो डिज़ाइन बनाया है उसी में नीचे डैश डैश करके पूरा स्पाइरल बनाया है। आफ्टर फिनिश्ड इट विल लुक लाइक दिस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज बिफोर पुटिंग ऑन अ वॉल डायरेक्टली वी हैव टू अरेंज इट ऑन अ फ्लोर और ऑन अ टेबल। हमें जैसा पैटर्न चाहिए जो प्लेट जहाँ पर प्लेस करना है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके हमें वो अरेंज करके एक मोबाइल पे फ़ोटो निकालना है। तो जब भी हम वॉल पे लगाएंगे तो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर रेडी रहेगा कि कौन सा प्लेट कहाँ पर प्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप यूज़ करूँगी टू पेस्ट दैट प्लेट ऑन अ वॉल। प्लेट का इतना वेट नहीं है तो वो आसानी से डबल साइडेड टेप से स्टिक हो जाएगा वॉल के ऊपर। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। इट लुकिंग अमेजिंग, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही वो वॉल के ऊपर अच्छा दिख रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने जो शू रैक रखा था वो ब्लैक कलर का था, वो मुझे वाइट कलर में चाहिए था। तो एक मेरे पास जो कबर्ड था उसका मैंने ये यूज़ साइड में एक मैं प्लांट रख रही हूँ और शू रैक के ऊपर मैंने एक फ्लावर वास रखा है। ये जो फ्लावर वास है वो भी मैंने DIY करके बनाया है, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर जाके देखिए। अब ये एंट्रेंस एरिया थोड़ा उभर के आ रहा है तो इसे और उभारने के लिए हमें यहाँ पर एक लैम्प की ज़रूरत है। तो मैंने DIY लैम्प बनाया है, उसका वीडियो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। अगर इसी वीडियो में वो दिखा देती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो पार्ट में बनाया है। लेकिन आप उसे अभी देख सकते हैं कि एंड रिज़ल्ट वो लैम्प का कैसा होगा। तो यहाँ पर मैंने लैम्प लगाने के लिए कि इस तरह से जो मार्केट में हुक्स मिलते हैं जो कि हम डबल साइडेड टेप से लगा सकते हैं वो यूज़ किया है। ये जो हुक है वो ऐसे फ्लिप होता है, तो क्या होगा कि अगर हम जब सीलिंग पे लगाएंगे तो उसका हुक वर्टिकल आ जाएगा, तो इजीली हम उसके ऊपर से लैम्प को हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प लेकर वो लैम्प को उसके ऊपर लगाया है। ये रेंटल फ्लैट है तो यहाँ पर हम ज़्यादा ड्रिल नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ये सोल्यूशन निकाला है। तो ये जो लैम्प DIY करके रेडी है वो हमने लगा दिया है। अब हम लाइट ऑन करके देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। जब हम लाइट ऑन कर देंगे तो ये जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो हियर इज़ अ फाइनल रिवील, वी व्हेन वी ओपन द डोर वी विल सी द बिग फ्रेम विच इज़ इन वाइट एंड गोल्ड कलर ऑफ द शिवाजी महाराज। एंड जैसे ही हम डोर बंद करते हैं तो हमें दिखता है ये वॉल जहाँ पर हमने ये ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर बनाया है।
दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको ये मेरा एंट्रेंस मेकओवर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप इस वीडियो में से कौन सा भी DIY ट्राई करते हैं तो मुझे जरूर शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल गेट नोटिफाइड फॉर माय न्यू वीडियोस। सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एक और वीडियो बनाने वाले हैं, और इस वीडियो में से कौन सा भी वीडियो